ये बीमारी जिसने पहले लोगों को गुमराह करार दिया, वही बीमारी हमारे अंदर भी आई। जैसे जैसे जमाना दूर होता गया, ये मर्ज पैदा होता चला गया, लेकिन खैरुल कुरून की वजह से, आपके जमाने से करीब होने की वजह से, आपकी बरकतों के मौजूद होने की वजह से और गैरतमंद मुसलमानों की मौजूद होने की वजह से ज्यादा ये बीमारी असर नहीं कर सकी, लेकिन बीज तो पड़ गया था। फिर वो बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता जमाना भी नबी के मुबारक दौर से दूर होता चला गया तो ये बीमारी बढ़ती चली गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खबर दी, हर आने वाला दौर गुजरे हुए दौर से बदतर ही होगा, बेहतर नहीं हो सकता। हर आने वाला दौर पिछले दौर से बदतर ही होगा, इसलिए कि हर आने वाला दौर पिछले दौर के मुकाबले में नबी से बईद होगा, दूर होगा। और जितना नबी से दूर होता चला जाएगा, हिस्सी मादी और जाहिरी बरकतें तो खैर दिन ब दिन खत्म होती ही चली गई, अब जो रूहानी बरकत हैं, वो रूहानी बरकत भी नबी से दूर होने की दो सूरतें हैं। एक तो जमाना नबी से दूर हो रहा है, मसलन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने से 1426 साल पीछे हो गए। हमारा कैलेंडर अब 1436 साल तक पहुंच गया, इस मुहर्रम से 1437वां साल शुरू हो गया। लेकिन कैलेंडर तो हिजरत से है और उससे पहले आप 10 साल और रहे दुनिया में, तो 1426 साल हम दूर हो गए नबी से, और अब नबी के इतने फासले पर हम लोग हैं, तो एक दूरी ये है। इस दूरी का भी असर पड़ेगा इस्लाम पर और इस्लाम की कुव्वत पर और मुसलमानों की शौकत पर, इस दूरी का भी असर पड़ेगा। ये दूरी तो फिर भी हिस्सी दूरी है, इसका ज्यादा असर नहीं, असर जरूर होता है लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होता। दूरी की दूसरी सूरत यह है कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात से, आपके आमाल से, आपके हरकात व सकरात से, आपके तरीकों से, आपके हुक्मों से, आपकी सुन्नतों और अदाओं से और आपकी शरीयत मुतहरा से दूर होते चले जाएं, ये दूर होना सबसे बड़ा खसारा है। ये दूर होना सबसे बड़ा खसारा है। और वो हिस्सी दूरी भी बेशक उसमें भी खसारा है, लेकिन वो गैर इख्तियारी है, उस पर अल्लाह का कोई मुआखजा नहीं है। मगर ये तो इख्तियारी है कि हम अपने अपने जमाने में अपने इख्तियार से नबी की जात से यानी उनके दीन और शरीयत और दावत से करीब रहें, उससे दूर न हुए, तो हमारे इख्तियार में है। तो जमाने के दूर होने पर हमसे मुआखजा नहीं, उससे जो नुकसान हुआ और बरकात से महरूम हुए हम, उसका अल्लाह अजर देगा, लेकिन वबाल कुछ नहीं हमारे लिए।